प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह में अगर ये आपको 5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब महिला जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो हर महीने ये आस लगाती है कि अब मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, अब मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो उसे दिखते हैं बट वहां पे उसका पीरियड आ जाते हैं। लेकिन ये क्यों आ जाते हैं? तो डियर देखिए, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में और आपके पीरियड के सिम्टम्स में थोड़ा बहुत अंतर होते हैं जो कि आप इस अंतर को समझ नहीं पाते हो। बहुत माइल्ड सा अंतर होते हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर होते हैं, लेकिन अगर इस चीज को, इस बात को अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो 100% मैं आपको बताती हूँ कि आपको किसी भी महीने में, किसी भी वीक में, किसी भी मंथ में नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पहले ही पता चल जाएगा, पहले ही अंदाजा लग जाएगा कि अब मुझे प्रेगनेंसी नहीं है, मेरे पीरियड आने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जो है, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि ये जो 5 लक्षण बता रही हूँ मैं, इन 5 लक्षण में से 2-4 लक्षण भी अपियर हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपके, सबसे पहले मैं बता दूं कि असली प्रेगनेंसी के आपको लक्षण यही होते हैं कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो ही आपको टेस्ट करने चाहिए। पहले टेस्ट करती है तो उसमें फैंट लाइन दिखाई देता है, हल्का लाइन दिखाई देता है, जिससे कि महिला काफी बेवजह की परेशानी मोल लेती है, परेशान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो ही जो है टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, मेरे चैनल पर वीडियो आ चुके हैं, उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह में कौन सा सिम्टम्स दिखाई देगा। ये सिम्टम्स आपको फ्रेंड्स 20वें दिन या फिर 25वें दिन दिखाई देने, कमजोरी महसूस होना, आपके बॉडी के अंदर अजीबो गरीब ऐसा महसूस होगा ना कि मेरे अंदर कुछ अजीबो गरीब फील हो रहा है। पहले सप्ताह में जब पहली बार आप माँ बन रही होती हैं तो उस समय काफी ज्यादा ये सारी चीजें फील होती है। तो पहले सप्ताह में अजीबो गरीब आपको कमजोरी महसूस होने लगेगा, जैसे कि आपका न्यूट्रिशन वगैरह सब ठीक रहेगा लेकिन फिर भी आपको वीकनेस महसूस होगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आपका जयगोट चिपकता है तो आपकी बॉडी से ही सारा न्यूट्रिशन उसको दिया जाता है। तो जब आपकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन उसको दिया जाता है तो आप खुद समझो कि आपकी बॉडी में वीकनेस तो आएगी, कमजोरी तो आएगी ही ना। तो इसीलिए आपको बेवजह का कमजोरी, वीकनेस, चिड़चिड़ापन, ये सारा चीज महसूस होने लगता है। बिल्कुल आप बुझी बुझी सी रहने लगती हो, चिड़चिड़ा हो जाती हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आपको। तो अजीब सी कमजोरी, अजीब सी गुस्सा आपको महसूस होने लगेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सुबह सुबह जब उठोगे ना तो आपको मॉर्निंग सिकनेस महसूस होने लगेगा। सुबह सुबह जब आप बेड छोड़ोगे तो आपको, कितना भी लेट से सो लोगे कि सुबह बेड छोड़ोगे तो अजीब सी आपको बेचैनी महसूस होगी। अजीब सी आपको जैसे महसूस होगा ना कि सुबह ही सुबह मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि किसी को मार दूं, किसी को पीट दूं, किसी को ये कर दूं, किसी को वो कर दूं, या फिर कितनी वॉमिटिंग कर दूं, ऐसा मतलब ऐसा कुछ आपको फील होने लगेगा। तो ये सारा चीज फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन जब हार्मोन बढ़ते हैं ना, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपकी बॉडी में पिक पे हो जाते हैं, जिससे कि ये सारा सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, बेवजह का आपका पेट फूला फूला महसूस होने लगता है। बेवजह का, आप कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के कुछ खा लिया, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि बिना कुछ खाए पिए मेरा पेट कितना कितना फूला हुआ है, मैं कितनी, जैसे कि मैं कितनी खाली हूँ। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है। क्योंकि जब जब आपके पेट में बच्चा आ जाता है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम 9 महीने तक लो रहती है, बिल्कुल लो रहती है, जिससे कि आपको जल्दी से वायरस भी आपके अंदर चले जाते हैं, जिससे कि आपको सर्दी जुकाम नोजिया जल्दी जल्दी पकड़ लेता है। आप देखे होंगे कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको गैस बहुत ज्यादा बनने लगेगी, तो गैस वगैरह का डॉक्टर आपको मेडिसिन देती है, तो यही कारण होता है। तो फ्रेंड्स, पेट फूलना भी एक प्रेगनेंसी के लक्षण होता है, वो भी पहली, ये फ्रेंड्स पहला हफ्ता में आपको दिखाई देगा और ये फ्रेंड्स आपको 3 महीने तक बना रहेगा। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले हैं, ये नहीं है कि जब प्रेगनेंसी हो गई तो ये सारी चीज खत्म हो जाएंगे, नहीं। आप कितनी महिलाओं में ये 3 महीने तक बना रहता है और कितनी महिलाओं में 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपका डिस्चार्ज का बढ़ना,
देखिए, जब ओबुलेशन होता है तो वहां पे ये आपका डिस्चार्ज बिल्कुल पतला होता है, और जब ओबुलेशन हो जाता है, जब आपकी प्रेगनेंसी होने वाली रहती है, तो ये डिस्चार्ज आपका गाढ़ा हो जाता है। ये बिल्कुल पतला वाटरी नहीं रहता है, ये डिस्चार्ज आपका गाढ़ा हो जाता है, और ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जब यूरिन पास करने जाओगे तो भी ये डिस्चार्ज निकलेगा, ऐसे भी ये डिस्चार्ज निकलेगा, आपके पैंटी पे लगेगा। तो इस चीज को भी आप समझिए कि मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, बेसल बॉडी टेम्परेचर, अगर आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में हल्की सी इंक्रीज आपको महसूस हो रही है 25वें दिन, 20वें 25वें दिन, 26वें दिन के बीच में कभी भी किसी भी दिन, तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। इसके बाद फ्रेंड्स, बेवजह का भूख का लगना और बेवजह का भूख का नहीं लगना दोनों कारण होता है। बेवजह का आपको भूख लगने लगेगा, यानी कि आपने दिन भर में तो एक ही बार 24 घंटे में दो ही बार खाते थे, एक बार सुबह एक बार शाम यानी रात, लेकिन इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सो के उठ रही हूँ मुझे भूख लग गया, या फिर मुझे भूख ही नहीं लग रहा है, दिन भर में कुछ भी मुझे खाने का ही नहीं मन कर रहा है। तो ये भी एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही होते हैं, बेवजह का भूख लगना। बट फ्रेंड्स, आपको चक्कर आने लगेंगे, चक्कर आने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि इस समय आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें हल्की सी गिरावट होने लगती है, जिससे कि आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको सिर में दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको ऐसा महसूस होगा ना कि जब आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसमें हल्की सी गिरावट महसूस होगी, तो आपको ऐसा महसूस होगा ना कि मैं चल रही हूँ ना तो मुझे चक्कर आके मैं कहीं गिर जाऊंगी। तो ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, कितनी महिलाएं इसको नहीं समझ पाती हैं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये छोटे छोटे बातों को आपको समझना काफी जरूरी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपके वजाइना के द्वारा स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होना, हल्की सी स्पॉटिंग ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, या स्पॉटिंग आपको पिंकिश हो सकता है, बिल्कुल रेड नहीं होगा, रेड जैसे कि रेड पे रहेगा लेकिन बिल्कुल रेड नहीं रहेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको वजाइना के एरिया में हल्की फुल्की खुजली भी हो सकती है, वहां पे हल्की फुल्की आपको ऐसा महसूस होगा कि खुजली आ रही है और थोड़ा सा दर्द भी महसूस हो सकता है। तो ये सारा काम आपका जब जयगोट चिपकता है ना, तभी ये सारा चीज आपको महसूस होता है, ऐसे आपको महसूस नहीं होता है। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब आपकी पीरियड आने वाली रहती है तो पीरियड से 24 से 48 घंटे पहले ये महसूस होंगे, लेकिन पीरियड के आपको 4 से 5 दिन पहले महसूस हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी होने वाली है। लेकिन इसमें से कुछ कुछ सिम्टम्स पीरियड के नहीं होते हैं, जो कि आपको जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर हो गया, हल्की सी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो गई, ये सारी चीज, आपके निप्पल में हल्का सा जो है कालापन महसूस होना, ये सारी चीज पीरियड के नहीं होते हैं, ये सारी चीज प्रेगनेंसी के होते हैं। तो इसको गौर से आप समझोगे तो फ्रेंड्स, ये सारा जो मैंने अभी आपको 5 सिम्टम्स बताए हैं, ये बिल्कुल 100% आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। इसको जब समझोगे जानोगे तो 100% आपको समझ में आएंगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सही होते हैं, लेकिन इसमें आपको अंतर करने आने चाहिए कि कब आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं और कब आपको पीरियड के सिम्टम्स दिख रहे हैं। पीरियड के सिम्टम्स आपको पीरियड आने से 48 घंटे या 2 से 3 दिन पहले दिखेंगे, और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको 4 से 5 दिन पहले दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन पहले आपका इम्प्लांट का फेस चलने लगता है और उसी समय आपका जो HCG जो हार्मोन है वो बनने लगता है और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। कितनी महिलाओं में नहीं दिखाई देते हैं, कितनी महिलाओं में दिखाई देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि मेरे में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एक एक सिम्टम्स दिखाई देगा, उस चीज को नोटिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।